Good morning, student. Today we will discuss the urban settlement. इसी पहले बच्चों हमने बात की थी सेटलमेंट के बारे में, रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था और उसको देखिए कि कौन कौन सी सेटलमेंट की शेप होती है, उसका साइज होता है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम. तो आज हम आपको बताएंगे अर्बन सेटलमेंट. एज यू नो अर्बन सेटलमेंट क्या होता है. जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में लगी हुई, उसको बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट. यानी अर्बन रैपिड अर्बन ग्रोथ इज ए रिसेंट फिनोमिना. अनटिल रिसेंट टाइम ए फ्यू सेटलमेंट रीच द पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन ए फ्यू थाउजेंड इनहेबिटेंट्स. द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच ए पॉपुलेशन ऑफ 1 million वॉज द सिटी ऑफ द लंदन बाई अराउंड एडी 1810. बाई 1982 अप्रोक्सीमेटली 175 सिटीज इन द वर्ल्ड हैड क्रॉस द 1 million पॉपुलेशन मार्क. प्रेजेंटली 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव इन द अर्बन सेटलमेंट. इसमें जो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो 54% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं. कंपेयर्ड बाय टू ओनली द 3% इन द ईयर. यानी अगर हम बात करते हैं, भाई ये देखिए इसमें एक यहाँ पर टेबल दी गई है. इन 1800 में ओनली 3%, उसके बाद 1850 में 6% और इन 1900 में 14%, 1950 में 30% और 1982 में 37% होगा. 2001 में ये 40% था और ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो 217 यानी आज से 3 साल पहले का. तो 54% लगातार जो है वो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी जो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द अर्बनाइजेशन, इसके कौन कौन से कारण. देखिए जितने भी डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर पहले लोग जो है मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एक्टिविटीज उनकी चेंज होगी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज होगा और आज लोग गाँव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं. उसके कई कारण हैं. भी एक तो अर्बन एरियाज में फैसिलिटी है, जैसे एजुकेशन की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है और जो मेन रीज़न है वो एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें मेकनाइजेशन हो गया. यानी लोगों को गांव में काम नहीं मिलता लेकिन शहरों में जो है काम मिल जाता है. तो ये इसके मेन कारण. इसके अलावा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, बैंकिंग की फैसिलिटीज है और अदर फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी है और मेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट की जो है वो फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है. इसलिए लोग जो है वो गाँव से शहरों की तरफ भाग रहे. तो ये था इज आर द मेन कॉजेज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड. क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट भी हम बात करते हैं. भी अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन, द डेफिनेशन ऑफ द अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. इसकी जो डेफिनेशन अलग रही है. कई बार बात करते हैं सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ द पॉपुलेशन. अगर हम बात करते हैं कई एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ इसके तीन कारण कॉमन जो पाए जाते हैं. बाकी अलग अलग कंट्रीज में कुछ अलग अलग इसके कारण दिए गए. तो यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन साइज का. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यूज बाय द मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन द अर्बन एरियाज. कहीं भी आप देखते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन का कर देते हैं. कई बात करते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन जो 5000 हो, द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज और ए सेटलमेंट टू बी डिजाइड एज अर्बन इज द 1500 इन कोलम्बिया, 2000 इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल, 2500 इन USA एंड थाईलैंड, 5000 इन इंडिया एंड 30,000 इज. अलग अलग कंट्री में देखिए अलग अलग जो है ये दिया गया है डाटा. किसी में 1500 है, किसी में 2000 है, किसी में 5000 है और जापान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 30,000 है. बिसाइड द साइज ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ द 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. दूसरा इसका रीजन है भी डेंसिटी जो है वो उसकी इस प्रकार से, यानी ये डेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम जो है एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड शेयर ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर एक्ट वर्कर्स आर टेकन इनटू द कंसीडरेशन इन इंडिया. कंट्रीज विद द लो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मे चूज ए लोअर नंबर एज द कट ऑफ द फिगर कंपेयर टू द डेंसिटी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज. इन डेनमार्क, स्वीडन एंड द फिनलैंड, ऑल प्लेसेज विद द पॉपुलेशन ऑफ साइज 250 पर्सन पर कार्ड द अर्बन, जहाँ पर 250 पर्सन रहते हैं यानी एक स्क्वायर किलोमीटर. मिनिमम पॉपुलेशन फॉर ए सिटी इज
300 in Iceland, whereas in Canada and Venezuela it is 1000%. तो अलग अलग ये दिया गया इसमें. नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपे स्ट्रक्चर, इन लोगों की जो एक्टिविटी है वो किस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं. इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एडिशन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिजाइनिंग ए सेटलमेंट एज अर्बन आर ऑल्सो टेकन एज द क्राइटेरियन. सिमिलरली इन इटली ए सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% ऑफ द ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. यानी जहाँ पर देखिए कई कंट्री है जहाँ पर 50% है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मोर देन 50% पॉपुलेशन दे आर एंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परस्यूट्स का. नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इज ए क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफाइंग ए सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ए सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासिफाइड एज द अर्बन इफ इट हैज ए म्यूनसिपलिटी. अगर वहाँ पर म्यूनसिपलिटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, नोटिफाइड एरिया है काउंसिल के द्वारा, इस प्रकार की जहाँ की फैसिलिटीज हो तो उनको बोलते हैं अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज. सिमिलरली इन द लैटिन अमेरिका कंट्रीज सच द ब्राजील एंड बोलिविया एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रीज कंसिडर्स अर्बन इस्पेक्टिव ऑफ इट्स द पॉपुलेशन साइज. था वहाँ पर कुछ भाई अगर वहाँ पर म्यूनसिपलिटी है, कंटोनमेंट एरिया है और नोटिफाइड एरिया है इस प्रकार से. नेक्स्ट इसका लोकेशन, लोकेशन ऑफ द अर्बन सेंट्रीज एग्जामिन विद द रेफरेंस टू देयर फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल द सीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ हॉलीडे रिजोर्ट और द क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन. ए मिलिट्री सेंटर और सी पोर्ट स्ट्रेटेजिक टाउन होते हैं, रिक्वायर द साइट्स ऑफरिंग द नेचुरल डिफेंस. माइनिंग टाउन्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स. इंडस्ट्रियल टाउन्स जनरली नीड द लोकल एनर्जी सप्लाईज ऑफ और रॉ मटेरियल्स. टूरिस्ट सेंटर्स रिक्वायर अट्रैक्टिव सीनरी और ए मैरीन बीच. इस प्रकार की जहाँ कंडीशन होती है उसको भी अर्बनाइज कहते हैं. इन लोकेशन की लोकेशन कहाँ पर है, ए स्प्रिंग विद द मेडिसिनल वाटर. ये तो वहाँ धीरे धीरे जो है वो उसका आकार बड़ा हो जाता है, लोग वहाँ जाते हैं. इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेज है, पोर्ट है, रिक्वायर हार्बर. इस प्रकार से लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मेटेरियल एंड फर्टाइल लैंड. टूडे वाइल दीज कंसिडरेशन स्टिल रिमेन वैलिड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लोकेटिंग अर्बन सेटलमेंट फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दीज मेटेरियल्स. पहले जो थी कि वहाँ पर किस प्रकार की फैसिलिटी है, अगर वहाँ पर वाटर अच्छा है या मेटेरियल मिलता है, इस प्रकार से बिल्डिंग मेटेरियल है, लैंड फर्टाइल है, सोइल फर्टाइल है. इस प्रकार से आजकल हम देखते हैं कि कहीं पर भी हो कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वहाँ पर भी अर्बन सेटलमेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ फैसिलिटी से पाइप वाटर कैन बी सप्लाइड टू ए डिस्टेंट सेटलमेंट, बिल्डिंग मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस. तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी के कारण जो है कहीं पर भी आप सेल बना सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम द साइट द सिचुएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन टाउन्स. ये देख सकते हैं आप इसमें टाउन्स प्रोविजन द सब नेशनल टाउन्स कैन ऑल्सो हैव देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल द विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलम्बिया, न्यूयॉर्क. तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें. ये कुछ लोकेशन में थोड़ा आगे चला गया था लोकेशन का था. अर्बन सेंटर्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हैव द एक्सपीरियंस रैपिड डेवलपमेंट. ठीक है, इसके बारे में भी तो हम बात करते हैं. फंक्शंस ऑफ द अर्बन सेंटर्स भी कौन कौन से जो है वो फंक्शंस हैं. द अर्लीस्ट टाउन्स वर सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड द रिलीजियस इंपॉर्टेंस. द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजियस एज डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शंस एज डिक्लाइन इन जनरल, बट अदर फंक्शंस हैव एंटर द लिस्ट. टूडे द सेवरल न्यू फंक्शंस सच एज द रिक्रिएशनल, रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर कैरिड ऑन द स्पेशलाइज्ड टाउन. तो आज के टाइम में थोड़ा सा फंक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो गए. सम ऑफ दीज फंक्शंस डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर द अर्बन सेंटर्स टू हैव एनी फंडामेंटल रिलेशनशिप विद द नेबरिंग रूरल एरियाज. तो इस प्रकार से ये वट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज ए फंक्शन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यूज. बिल्कुल असर पड़ा इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा असर है, उसके कारण चेंज हो गया सारा सिस्टम. इन स्पाइट ऑफ द टाउन परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस वी रेफर टू देयर द डोमिनेंट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी थिंक ऑफ द सी फील्ड एज एन द इंडस्ट्रियल सिटी, लंडन एज ए पोर्ट सिटी. पहले इस प्रकार की सिटी थी, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर और भी एक्टिविटी होने लगी, थोड़ा चेंज हो गया समय के साथ. चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी एंड सो ऑन.
large cities have rather a greater diversity of function. Besides, all cities are dynamic. Any dynamic मतलब static नहीं है, वहाँ पर जो है change होता रहता समय के साथ. And over a period of time may develop the new functions. Most of the early 19th centuries fishing port in England have now developed the tourism. करे वहाँ पर fishing port होता था, लेकिन वहाँ आजकल tourism ज़्यादा होता है. इसके अलावा many of the old market towns are now the known for manufacturing activities. Towns and cities are classified into the following category. इसकी कुछ categories दी गई यहाँ पर, कुछ administrative town है. National capitals, जितनी भी राष्ट्रीय राजधानी होती है, विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच एज न्यू दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, आदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन, आर कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. प्रोविंशनल सबवे नेशनल टाउन्स कैन ऑल्सो हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल द विक्टोरिया ब्रिटिश कोलम्बिया, एल्बनी न्यूयॉर्क और चेन्नई तमिलनाडु. इस प्रकार के सारे ये टाउन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं. Next about the trading and the commercial town. Agriculture market towns such as the Winnipeg in and Kansas City, banking and the financial centers like the Frankfurt, Amsterdam, large island centers like the Manchester and the St. Louis, and the transport nodes such as the Lahore, Baghdad and Agra have been the trading center. यानी यहाँ पर trading के center होते थे, लोग वहाँ business के लिए आते थे और इस तरह से धीरे धीरे उनका जो वहाँ का पड़ा हुआ है. तो ये इस नाम से जानते हैं, चाहे वो विनीपैग है, कंसास है, या आगरा है, हमारे पर लाहौर है, बगदाद, ये सिटीज है. कुछ सिटी ऐसे होते थे जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज, प्लेसेस द पिलग्रिम सच एज द जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी है, वाराणसी, एक्स्ट्रा आर द कंसिडर द कल्चरल टाउन्स. दीज अर्बन सेंटर्स आर ग्रेट ऑफ द रिलीजियस इंपॉर्टेंस. तो इनकी एक धार्मिक जो है वो महत्व है ज़्यादा. एडिशनल फंक्शन विच द सिटीज परफॉर्म आर द हेल्थ एंड द रिक्रिएशन. मियामी एंड द पंजी, इस प्रकार के यहाँ पर लोग जाते हैं मनोरंजन के लिए. इंडस्ट्रियल पीटर्सबर्ग एंड द जमशेदपुर, माइनिंग एंड क्यूरिंग, यहाँ पर इस प्रकार की जो ब्रोकन हिल एंड धनबाद, एंड ट्रांसपोर्ट सिंगापुर एंड मुगलसराय. तो ये ट्रांसपोर्ट सिटी के नाम जाते हैं, इस तरह से देख सकते हैं हम इसमें. अर्बनाइजेशन मीन्स द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव इन द अर्बन एरियाजेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन द रूरल अर्बन माइग्रेशन. जो मैंने आपको पहले बता रहा कि कौन कौन से कारण उसके. टू द लेट 1990s समय 20 to 30 million पीपल वर लिविंग द कंट्री साइड एवरी ईयर एंड मूविंग इन टू द टाउन एंड सिटीज. यानी 20 to 30 million जो है वो रूरल एरिया से जो है वो अर्बन एरिया में जाते हैं, सर माइग्रेशन होते हैं. डेवलप कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th century. डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century. अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री, तो वहाँ 1950 के बाद 60 के बाद जो है वो ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है. तो ये था इसका इस तरह से. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म के आधार पर, उसका जो है फॉर्म क्या है उसका. एन अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर, स्क्वायर, स्टार और क्रिसेंट शेप. इनफैक्ट द फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट, आर्किटेक्चर्स एंड स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर आउटकम ऑफ इट्स द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. ये इसमें दिया गया था, ये कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर. Towns and cities of developed and the developing countries affect the market differences in the planning and development. While the most cities in developed countries are planned, most urban settlement of developing countries have evolved historically with the irregular shape. उनकी shape जो अलग अलग होती है. कई जो plain city, जैसे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक plain city, एक बसाया गया है, लेकिन कुछ historical city है उनकी shape जो irregular है. For example, चंडीगढ़ एंड Canberra are the plain cities, while the smaller towns in India have evolved historically from वर्ल्ड सिटीज टू लार्ज अर्बन स्प्रॉल. इस प्रकार से यानी वहाँ पर वाल किले होते हैं वहाँ पर इस टाइप से. इसमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए. अदिस बाबा है, ये इथोपिया की कैपिटल है, इसको देख सकते हैं आप. इसकी द नेम ऑफ द इथोपियन कैपिटल अदिस अबाबा एज द नेम ऑफ द इंडिकेट्स अदिस न्यू अबाबा फ्लावर. यानी न्यू फ्लावर की बात करते हैं. इज ए न्यू सिटी विच वॉज स्प्लाइस इन द 1878. द होल सिटी इज लोकेटेड ऑन द हिल वैली टोपोग्राफी. यहाँ की जो टोपोग्राफी है हिल वैली. द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस. देख सकते हैं आप इस पर किस प्रकार का रोड पैटर्न है. इसकी मोर्फोलॉजी देखिए आप, इसका साइज और शेप देखिए, इसका आकार किस प्रकार का, किस प्रकार से ये बसा हुआ आदिश बाबा. इसमें दिखाया गया मैप के अंदर मोर्फोलॉजी ऑफ द आदिश बाबा, किस प्रकार से इसकी मोर्फोलॉजी. सर्कुलर टाइप है, थोड़ा सा कहीं बीच बीच में
साइडों से अलग भी है, ये देख सकते हैं इसमें यहाँ पर। तो ये इसके बाद और तो लोकल टोपोग्राफी द रोड्स रेडिएट फ्रॉम द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर प्याजा अपार्ट राट एंड आई मिस द किलो राउंड अबाउट्स मार्केटो एज द मार्केट विच ग्रे विद द टाइम इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट मार्केट बिटवीन द कैरो एंड जॉन्सवर्थ ए मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी ए मेडिकल कॉलेज ए नंबर ऑफ द गुड स्कूल मेक आदिस बाबा एंड एजुकेशन सेंटर। तो यहाँ पर एजुकेशन का सेंटर बन गया, यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी है, स्कूल है और मार्केट फैसिलिटी इस प्रकार से। इट इज ऑल्सो द टर्मिनल स्टेशन फॉर द डीसी बाउट्री आदिस अबाबा रेल रूट। बोले एयरपोर्ट इज ए रिलेटिवली न्यू एयरपोर्ट। द सिटी हैज विटनेस द रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ इट्स द मल्टी फंक्शनल नेचर एंड बींग ए लार्ज नोडल सेंटर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इथोपिया। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन क्या, यहाँ पर किस प्रकार की फैसिलिटी है और कैसे इसको बसाया गया है। नेक्स्ट आपका था कैनबरा। कैनबरा वॉज प्लैंड कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इन 1912 बाई द अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट द वाल्टर ब्रूली ग्रेफिन ने बसाया से। ही हैड इन्वेस्टेड द गार्डन सिटी फॉर अबाउट द 50,000 पीपल टेकिंग इन टू द अकाउंट द नेचुरल फीचर ऑफ द लैंडस्केप। देयर वर टू बी फाइव मेन सेंटर्स। यहाँ पर इसके जो मेन सेंटर देख सकते हैं, इसके देख सकते हैं मोरफोजी किस प्रकार से इसके बीच में देखिए आपका ये इसकी सेट है। बीच में इसके देखिए लेक है, ये लेक बुरले ग्रीफ में उठेगा। इसका नेशनल गैलरी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, और इसको ध्यान से देखिए पार्लियामेंट हाउस है, ये कॉमन वेल्थ पार्क है, इस प्रकार से इसमें दिया गया ब्रिटेन दिया गया, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। तो ये इसकी विशेष देख सकते हैं। किंगस्टन स्टेशन है, मंग का है, फॉरेस्ट एरिया है, ये वाटर है, इस प्रकार की मेन मेन सिटी दिखाई गई है, ये देख सकते हैं आप। मोरफोलॉजी ऑफ द प्लैंड सिटी ऑफ द कैनबरा। तो इसमें ये मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा कैनबरा के बारे में। कैनबरा ये है, रिच द मिलियन मार्क इन द 1800 फॉलोड बाई द पेरिस इन 1850 न्यूयॉर्क इन द 1860 एंड बाई द 1950 देर वर अराउंड द 80 सच सिटीज देर वर 162 मिलियन सिटीज। ये तो बस नोट्स लगा कहीं, एक मिनट इसका। Each with a separate city function during the last two decades, the city has expanded to accommodate several satellite towns which have their own center. The city has wide the open spaces as many park and garden. इस प्रकार से देख सकते हैं इसकी, ये था इसका कैनबरा का। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, भाई किस प्रकार की टाइप है। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड सर्विसेज अवेलेबल एंड फंक्शंस रेंडर्स अर्बन सेंटर्स आर डेजिग्नेटेड ए टाउन सिटी मिलियन सिटी कॉन्फ्रेशन मेगापोलिस। यानी छोटा टाउन होता है उसको बड़ा सेट होता है, मेगापोलिस होता है, मेट्रो सिटी होता है और कॉन्फ्रेशन होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड विद द रेफरेंस टू विलेज। पॉपुलेशन साइज इज नॉट द ओनली क्राइटेरियन। फंक्शनल कंट्रास्ट बिटवीन द टाउन एंड विलेजेस मे नॉट ऑलवेज बी क्लियर कट, बट स्पेसिफिक फंक्शंस सच एज द मैन्युफैक्चरिंग रिटेल एंड द होलसेल ट्रेड एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एग्जिस्ट इन द टाउन। टाउन में देखिए ये काम होते हैं मोस्टली, ये फंक्शन सज द मैन्युफैक्चरिंग रिटेल एंड होलसेल ट्रेड और प्रोफेशनल सर्विस इस प्रकार से। उसके बाद हम बात करते हैं सिटी। सिटी में भी रिगार्डेड एज ए लीडिंग टाउन विच हैज आउटस्ट्रिप्ड इट्स द लोकल और द रीजनल राइवल्स। इन द वर्ड ऑफ द लेविस मुफोर द सिटी इज इन द फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाइएस्ट इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द एसोसिएटिव लाइफ। यानी इस प्रकार की वहाँ पर लाइफ होती है। सिटीज आर द मच लार्जर देन टाउन्स एंड हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ द इकोनॉमिक फंक्शन। वहाँ पर ज़्यादा जो है इकोनॉमिक प्रकार की एक्टिविटी होती है। दे टेंड टू हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर, बड़े बड़े बैंक होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं। वेन द पॉपुलेशन क्रॉसिस द 1 मिलियन मार्क इट्स द डेजिग्नेटेड एज ए मिलियन सिटी। जब उसकी जो पॉपुलेशन है उन्होंने उसको बोलते मिलियन सिटी। उसके बाद बात करते हैं कॉन्फ्रेशन। द टर्म कॉन्फ्रेशन वाज कॉइन्ड बाय द पैट्रिक Gates in the 1915s and applied to a large area of the urban development. The resulted from the merging of originally separate town or cities, Greater London, Manchester, Chicago and Tokyo. तो बहुत बड़ा उसका साइज, जैसे हम बात करते हैं मुंबई की बात करते हैं इस प्रकार से, मुंबई हमारे यहाँ पर है इस प्रकार का, और एक एग्जाम्पल देंगे ग्रेटर लंदन, मानचेस्टर, शिकागो एंड टोक्यो।
यानी फाइंड आउट एन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, तो मैंने आपको बता दिया जैसे मुंबई इस प्रकार का सिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। मिलियन सिटीज, द नंबर ऑफ द मिलियन सिटीज इन द वर्ल्ड हैज बीन इंक्रीजिंग एज नेवर बिफोर। लंदन इज द मिलियन मार्क इन 1800 फॉलोड बाय द पेरिस इन 1850। इस प्रकार से 1800 में पहुँच गया था, उसके बाद पेरिस जो है वो 1850 में पहुँच गया, न्यूयॉर्क जो है वो 1860 में मिलियन सिटी बन गया था। बाय 1950 देर वर अराउंड 80 सच सिटीज, देर वर 162 मिलियन सिटीज इन द मिड 70s एंड देर वाज ए थ्री फोल्ड इंक्रीज इन द 2005 एंड द नंबर ऑफ रीच टू द 438 इन 2016 देर वर द। यानी इस प्रकार से देखिए पहले कितने सिटी एक था, उसके बाद धीरे धीरे आज जो है वो देर वर 512 सिटीज विद एटलीस्ट द 1 मिलियन इनहेबिटेंट्स ग्लोबली बाई 2030। ये प्रोजेक्टेड जो है ऐसा अनुमान है, अनुमानित जो है वो 662 सिटीज विल हैव एटलीस्ट द मिलियन रेजिडेंट्स। तो ये उसके बाद मेगापोलिस की बात हम करते हैं। मेगापोलिस द ग्रीक वर्ड मीनिंग द ग्रेट सिटी वाज पॉपुलराइज बाय द जीन कोटमैन 1957 एंड सिग्निफाइज द सुपर मेट्रोपोलिटन रीजन एक्सटेंडिंग एज यूनियन ऑफ द कॉन्ग्लोमरेशंस। यानी जब कोई आपस में मिल जाते हैं कॉन्ग्लोमरेशन तो वो बहुत बड़ा स्टेट है। द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम द बोस्टन इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ वाशिंगटन यूएसए इज द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ द मेगापोलिस। इस प्रकार से इसको बोलते हैं मेगापोलिस। यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगापोलिस सिटीज। ए मेगा सिटी और मेगापोलिस इज ए जर्नल टर्म फॉर द सिटीज टूगेदर विद देयर सबर्ब्स विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल। न्यूयॉर्क वॉज द फर्स्ट टू अटेन द status of the mega city by the 1950 with the total population of the 12.5 million. The number of the mega cities is now the 31. The number of the mega cities has increased in the developing countries in the last 50 years. Because this is very big, yahan par the developing country aur ye dekh sakte hain aap isme table diye gaye mega cities of the world, Tokyo ki population kitni hai 2016, uske baad ye dekhiye to Delhi hai Indian, शंघाई चाइना, मुंबई इंडिया में, साओ पाउलो ब्राज़ील, बीजिंग चाइना, उसके बाद है क्लूडाड डी मेक्सिको, मेक्सिको सिटी मेक्सिको, किनकी एमएमए, ओसाका जापान, आलकुरिन इसको बोलते हैं कैट्रो इजिप्ट में, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क यूएसए, ढाका बांग्लादेश, कराची पाकिस्तान, ब्यूनस आयर्स। तो ये कुछ इस प्रकार के हमारे सिटी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर ये भी कलकत्ता इंडिया, इस्तनबुल टर्की, ये दिए गए, इसकी लिस्ट दी गई, तो 31 ये नाम दिए गए। तो गार्सिल लागोस में आ गया, मनीला फिलीपाइंस, गोंचू डोंग इन चाइना, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, लॉस एंजल्स, लॉन्ग बीच से सांता एना, मोसाका, मॉस्को, रशियन फेडरेशन और ये किंग्स। तो ये नाम दिए गए, इसके नाम याद कर सकते हैं। फिर पेरिस चाइना, जकार्ता बेंगलोर इंडिया, इंडिया के भी कई इसमें कंट्री, लंदन यूके, चेन्नई, ये कुछ इस प्रकार की 31 जो है नाम है उनकी विद द पॉपुलेशन, ये याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। द सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम द वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज द अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, कंजस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट्स, लैक ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। They also lack infrastructure such as the electricity, sewage at disposal, health and education. तो ये कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो खासकर से अगर बात करते जो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम है, डेवलप कंट्री में नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्किप टू की कुछ एक्टिविटी दी गई। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फेस्ड बाई यूर सिटी, टाउन, विलेज इन टर्म्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिटी द पोटेबल वाटर, बहुत से शहरों में जो है पीने के पानी की समस्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत कम है, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत कम है, हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। जितने भी हमारे इस प्रकार के मेगा सिटीज हैं तो वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, हेल्थ की प्रॉब्लम है और ख़ासकर से पीने के पानी की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट की बहुत सी प्रॉब्लम है। People flock to cities to avail of the employment opportunities and civic amenities, since most cities in the developing countries are unplanned. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस प्रकार से बहुत से अनप्लान सिटी है, हम जाते भी वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, मौका मिलेगा, लेकिन कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा।
इट क्रिएट्स द सर्वर कनेक्शन, वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, शॉर्टेज ऑफ द हाउसिंग, हाउसिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को रहने के मकान नहीं मिलते, एक एक रूम में कई रूप लोग रहते हैं। वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्लम्स आर, देख सकते हैं स्लम एरियाज, मुंबई की अगर बात करते हैं, बहुत से दिल्ली है, मुंबई है, जितने भी बड़े बड़े टाउन है, तो वहाँ पर स्लम एरियाज, झुग्गी झोपड़ी का एरिया, वहाँ पर लोग इसी प्रकार से रहते हैं, और उसमें ना तो कोई व्यवस्था होती पीने के पानी की, ना रहने की, और उसमें बीमारियाँ होती है, और वहाँ पर क्राइम भी बहुत बढ़ जाता है। अगर बात करते हैं ग्रोथ स्लम्स आर द करेक्टरिस्टिक्स द फीचर ऑफ द मॉडर्न सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इन मेनी सिटीज एज एन इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन द पॉपुलेशन लाइव इन द सबस्टैंडर्ड हाउसिंग, उनके पास एक लेवल होता है, एग्जाम्पल द स्लम एंड द स्केटर सेटलमेंट्स, इन मोस्ट मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया वन इन द फोर इनहेबिटेंट्स लिव इन द इलीगल सेटलमेंट, यानी इनके पास कोई इलीगल नहीं है, इलीगल रहते हैं, विच आर ग्रोइंग ट्वाइस एज द फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सिटीज इवन इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज, अराउंड 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द स्केटर, 60% पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर देख सकते हैं, हम इसमें एग्जाम्पल दिए कुछ ये स्लम एरियाज की, ये दिखा सकते हैं फोटोज में किस प्रकार से लोग रहते हैं, ऐसे ही अवैध कब्जा कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट दैट अमंग द अदर थिंग्स हेल्दी सिटीज मस्ट हैव ए क्लीन एंड द सेफ एनवायरनमेंट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स द इनहेबिटेंट्स इन्वॉल्व द कम्युनिटीज इन लोकल गवर्नमेंट, ये कुछ फैसिलिटी होना चाहिए शहरों के अंदर, प्रोवाइड द इजिली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, तो इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर, प्रोविजन ऑफ द बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंक्लूडिंग द वीमेन एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज एंड द गवर्नमेंट फैसिलिटीज, अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड द अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ इस प्रकार की सिटीज टाउन रूल सेटलमेंट आर लिंक थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स रिसोर्सेज एंड पीपल, अर्बन रूल लिंकेज आर क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम वगैरह था, थोड़ा सा और प्रॉब्लम रहेगी इसमें। हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एज वेल एज द स्मॉलर अर्बन एरिया ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज कंसिस्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरिया, द एनर्मस माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट्स ए पूल ऑफ द अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स विच इज ऑलरेडी सैचुरेटेड इन द अर्बन एरियाज, तो आर्थिक समस्या भी आती है, लोगों को काम नहीं मिलता और उसके कारण फिर क्राइम बढ़ जाता है। उसके बाद सोशो कल्चरल प्रॉब्लम है, कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रॉब्लम है, सिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम द सेवरल सोशल इल्स, इन insufficient financial resources fail to create dedicated social infrastructure catering to the basic needs of the huge population, the available educational and the health facilities remain beyond the reach of the urban poor, health inequities also present a gloomy picture in the cities of developing countries, lack of employment and education tends to aggravate the crime rates, male selective migration to the urban areas डिस्टोर्स ऑफ द सेक्स रेशियो इन द सिटीज, तो इस प्रकार से कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या, इसके कारण वहाँ का इम्बेलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉब्लम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज नॉट ओनली यूजेज बट ऑल्सो द डिस्पोज ऑफ ए ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, मेनी सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज even find it extremely difficult to provide the minimum required quantity of the potable water and water for domestic and industrial areas, and improper sewage system creates the unhealthy conditions, massive use of the traditional fuel in the domestic as well as the industrial sector actually the pollutes the air pollution bahut zyada, water pollution bahut zyada hai, the domestic and the industrial waste are the either let it into the general sewages or the dumped without treatment as अनस्पेसिफाइड लोकेशन, कहीं भी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा ढेर हो जाते हैं और उससे जो है वहाँ की व्यवस्था खराब हो जाती है, यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर डेडिकेट द अकोमोडेट द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक प्लेज वेरी कंडक्टिव रोल टू क्रिएट द हीट आइलैंड्स, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी दी गई, दैट इज दैट नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज आउटलाइन दीज प्रायोरिटीज एज ए पार्ट ऑफ द अभी अर्बन एरियाज, कहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, वहाँ पर इंक्रीजिंग द शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर प्रोविजन ऑफ द बेसिक प्रोविजन द बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर सैनिटेशन, ये कुछ होना चाहिए वहाँ पर, और जो महिलाओं की कंडीशन है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड अल्टरनेटिव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिटीजन टाउन एंड रूल सेटलमेंट आर लिंक थ्रू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स रिसोर्सेज एंड पीपल्स, अर्बन रूरल लिंकेज आर द
the crucial importance of the stability of human settlement. As growth of the rural population has occupied the generation of employment and economic opportunities, route to the urban migration has steadily increased, particularly in the developing countries, which has put enormous pressure on the urban infrastructure and services that are already under the serious stress. यानी लोग गाँव से शहर उतर जा रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है. इट इज़ अर्जेंट टू रेडिकेट द रूल पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग कंडीशन एज वेल एज टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल सेटलमेंट्स. फुल एडवांटेज मस्ट बी टेकन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिंकेजेस ऑफ द रूरल एंड अर्बन एरियाज बाई बैलेंसिंग देयर द डिफरेंट इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंट. तो वहाँ पर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, यानी ग्रामीण एरियाज में हमने उसको और सुविधा देने पड़ेंगे, जिसके बाद हमें कर सकती है. इसके पीछे क्वेश्चन दिए गए, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फॉरन ट्रेड यूनियन, और ये एक्सरसाइज है, इसको आप कर सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स. ये प्रोजेक्ट भी दिया गया, डू यू लिव इन अ सिटी, इफ नॉट डू यू हैव नियर बाई, इज योर लाइफ सम हाउ लिंक टू सिटी, वट इज इट्स द नेम, वेन वॉज द फर्स्ट सेटल्स, वाई वॉज द साइट चूजन, वट इज इट्स द पॉपुलेशन. तो इतने शहर की देख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है. द फंक्शन इट्स द परफॉर्म्स ऑन स्केच ऑफ सिटीज, ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरियाज विद दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड. इस प्रकार से उसका एक स्केच दे सकते हैं, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए. कैन यू थिंक ऑफ सम वेस्ट बाई विच यू कैन सिंगल हैंडली हेल्प रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स इन योर सेटलमेंट. प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाटर कंजप्शन, प्लांटिंग ट्रीज इन द नेबरहुड. इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है. ओके.